नमस्कार, सीजी न्यूज प्लस 24 में आपका स्वागत है। सबकी बात सच के साथ। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। लोक सेवकों को पक्षपात से परे रहना चाहिए, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने आईएएस से जुड़ा कार्यक्रम में की शिरकत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोक सेवकों से पक्षपात से परे रहने का आह्वान करते हुए सोमवार को कहा कि उन्हें राष्ट्रवादी और संघवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने यहाँ भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस 2022 बैच के सहायक सचिवों को संबोधित करते हुए कहा लोक सेवकों को सदैव पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण से परे देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक लोक सेवक को राजनीतिक दलों के साथ संलिप्तता नहीं रखनी चाहिए। उपराष्ट्रपति ने अधिकारियों से राष्ट्रवादी और संघवादी दृष्टिकोण अपनाने और राष्ट्र के हित को सदैव सर्वोच्च रखने तथा विधि के शासन को बनाए रखने का आह्वान किया। धनखड़ ने लोक सेवकों से उच्च नैतिक सिद्धांतों को बनाए रखने का आग्रह किया और कहा कि आप परिवर्तन के वाहक हैं, आप गुणवत्तापूर्ण शासन में महत्वपूर्ण आधार हैं और त्वरित विकास के पथ प्रदर्शक हैं। उन्होंने कहा कि लोक सेवा पहले से कहीं अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण है और इसमें समाज के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर और वंचित पृष्ठभूमियों से आने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व है। धनखड़ ने कहा कि आज भारत आशा और संभावनाओं से भरा हुआ है और निवेश के लिए सबसे पसंदीदा जगह है। उन्होंने कहा कि युवा के लिए अवसर दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सीजी न्यूज प्लस 24।